Thank you. A lots of thank you to my all lovely viewers, and thanks a lot for your precious time and your love and respect for your this channel. Friends, this is Shalini and you are watching me on your own channel, My Happy Universe. With God's grace and your love, this channel is growing day by day. Friends, keep watching and subscribe this channel and don't forget to share and like. So let's move on to about today's topic, and you know very well before the starting, I always dedicate a lovely lines to you all. You know, these beautiful lines about today, I'm going to dedicate to the lovely eaters who love to eat. The people who love to eat, they are the best people. How they are the best? Eating is a necessity, but eating intelligently is an art. खाना एक ज़रूरत है, लेकिन खाना एक समझ के साथ जब कोई खाता है तो वो एक कला बन जाती है. आइए जानते कैसे हैं. बिफोर दैट, व्हाट इज ईटिंग, हाउ ईटिंग हैबिट्स क्रिएट द ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड हाउ इट इफेक्ट द मेंटल हेल्थ. क्या हैं ये खाने पीने की आदतें, और इन खाने पीने की आदतों को जब हम इग्नोर करते हैं, इनको अच्छे से मेंटेन नहीं करते, तो इनसे होने वाले खाने के क्या रोग हैं और वो हमारी मानसिक सेहत, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट डालते हैं, आइए जानते हैं. तो जानते हैं कि ईटिंग क्या है. ईटिंग मीन्स टू कंज्यूम, मतलब खाना. लेकिन जब कोई पर्सन हद से ज़्यादा अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से खाना ज़्यादा या कम खाए, that result in eating disorders. I hope आपको समझ आ चुका है कि जब कोई भी person अपनी उम्र के हिसाब से ना तो वो proper वो nutrition ले पाता है, ना उस हिसाब से उसकी growth होती है, ना ही उसका दिमाग वैसे develop होता है, वो सब कुछ चीज़ें result होती हैं एक disturb eating pattern का. आइए जान लेते हैं कि eating शुरू कहाँ से होती है. बात चले eating की, और बात अगर cooking की ना हो, क्योंकि ईटिंग और कुकिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटररिलेट करते हैं. खाना खाना और खाना बनाना, खाना बनाने वाले की इंटेंशन भी उस खाने वाले के अंदर उतनी ही जाती है जितनी वो इंटेंशन के साथ खाना बनाता है. तो आइए जानते हैं कि ये ईटिंग हैबिट्स हैं क्या, और ये ईटिंग हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कैसे डालती है किसी के खाना बनाने से. तो सबसे पहले, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट खाना खाते हैं ना, जैसे कि उनके पीछे कोई भाग रहा है. ये एक रिज़ल्ट है, एक साइन है उस चीज़ का कि आप अंदर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, स्ट्रेस में हो, घबराए हुए हो. नेक्स्ट थिंग आएगी आपकी, अगर आपके खाने की जो लुक है वो अगर ग्रीन नहीं है, लाइक हल्दी कम है, तो वो एक फेंट सा कलर दे रही है. ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट द माइंड एंड बॉडी. जानते कैसे हैं अगले व्यू में. इसके बाद बात करते हैं कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, टाइम पास करने के लिए खाएंगे. कोई काम नहीं मिल रहा, चलो जी कुछ खा लेते हैं. क्यों खा लेते हैं? टाइम पास करने के लिए खाना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, इसलिए खाना है. मेरे पास कोई और काम नहीं, चलो कुछ अनाप शनाप खा लेते हैं. ठीक है, एक वो लोग होंगे जिनको भूख भी है लेकिन डर लगेगा, यार मैं मोटी ना हो जाऊँ, मैं ये ना हो जाऊँ. जितने भी लोग अपने खाने को, अपने मील को एस्केप करते हैं डाइटिंग के लिए, दिस इज़ द रॉन्ग मेथड. कभी भी खाना खाना आपके लिए हानिकारक नहीं है. खाना हेल्दी खाइए, चाहे 10 बार खाइए, लेकिन वो खाना अगर एक हेल्दी है, कम ऑयल में बना हुआ है, अच्छे वेजिटेबल्स उसमें, तो नो डाउट वो खाना आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपको फ़ायदा ही देगा. क्योंकि हमारे खाने में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हाँ बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगी अगले पार्ट में. अब बात करते हैं कि कुकिंग कैसे हमारे ईटिंग में इफ़ेक्ट करती हैं. जी हाँ, कुकिंग इफ़ेक्ट बाय द इंटेंशन. जो खाना बना रहा है उसके भाव कैसे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी पर्सन है, जो भी लेडी या मदर अगर खाना बना रही है किचन में, तो ऑलवेज़ यूज़ दैट कि वो कभी भी खाना इरिटेट होके ना बनाए. बी हैप्पी ऑलवेज़ ड्यूरिंग द कुकिंग, क्योंकि जो आप उस टाइम जो थॉट्स की वाइब्रेशन अपने खाना बनाते टाइम डालोगे, वही चीज़ें वो खाने वाले के अंदर जाएंगी. आपने सुना भी होगा, जैसा अन्न वैसा मन. तो कभी भी खाना बनाने से इरिटेट ना हो. ठीक है, उसके बाद बात आ गई सोशल फैक्टर्स की. सोशल फैक्टर्स की फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर आपको कोई खाना दे रहा है और आपको वो खाना लेके आया है, आपको आपके माइंड में डाउट आ गया कि यार पता नहीं मुझे किस इंटेंशन के साथ खाना लेके आया है, तो अब मुझे ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप उस खाने की नेगेटिविटी को तोड़े,
आप उसके अंदर कोई भी अपना मंत्रा बोल सकते हैं, जिसके भी ऊपर आपका बिलीफ सिस्टम है आप प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप उसमें बोल सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, दिस फूड इज गिविंग एनर्जी टू मी, थैंक यू बोल के खा लीजिए। बेशक उसमें कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक हो, अगर आपको लगता है उस पर्सन से, तो आप उसको थैंक यू की पावर से ख़त्म कर सकते हैं एंड इट वर्क मैजिकली। उसके बाद बात आ गई इकोनॉमिकल फैक्टर्स की, इकोनॉमिकल फैक्टर्स की कि जो भी आप खाना बनाते हो, जो भी जो खाना आया है घर पे, वो कैसे कैसे इंटेंशन से कमाया हुआ है। मतलब कि कुछ लोग चोरी करके लाते हैं, तो ये चीज़ें नुकसान देती हैं। मे बी फैमिली में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है या सडनली डेथ हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं उसी काली कमाई का ही हिस्सा है जो हम नोटिस नहीं करते अपनी लाइफ टू लाइफ टाइम में। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स। फॉर एग्जांपल कि किसी को घिया पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ बने तो आपके इमोशंस, आपके फेस पे कितनी स्माइल आ जाती है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द ईटिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। उसके बाद बात आप करते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे सुधारें। सबसे पहले जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो नाम आया है हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, इसमें आता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा मतलब वो ईटिंग हैबिट्स जिसमें क्या होता है, लोग बिंज ईटिंग करते हैं, नॉन स्टॉप खाते भी हैं, खा भी लेते हैं सेटिस्फेक्शन करने के लिए और वॉमिट आउट करके निकाल देते हैं। तो डर भी होता है कि मोटे भी ना हो लेकिन खाना भी है, मतलब कंपल्शन एक्शन करता है वो। उसके बाद बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की, जिसमें वो क्या करता है, कोई पर्सन है उसको डाइटिंग करना बहुत पसंद है, वो अपने जीरो साइज फिगर को अटेन करने के लिए, इनफैक्ट खाने का मन भी है लेकिन खाएगा नहीं, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग में या बहुत से मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट्स में ये बहुत डिटेल में बताए गए हैं, लेकिन ये मैंने आपकी डे टू डे लाइफ में बताए हैं कि अगर ये सिम्टम्स आपकी लाइफ में डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, यू कंसल्ट विद द साइकेट्रिक डॉक्टर। उसके बाद बात करते हैं कि कुकिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो उसमें भी पहली बात हमारी किचन से स्टार्ट होगी। जब भी कोई मदर या वाइफ या कोई भी कुकिंग करता है किचन में, तो बी फील हैप्पी ऑलवेज। आप अपनी किचन में कोई पॉजिटिव कोट लगा लीजिए, या वो भी नहीं कर सकते तो से थैंक्स ऑल द टाइम। और जो भी आपके खाना है, दालें हैं, जिस जो भी वेजिटेबल्स हैं, डू प्रेयर ऑल द टाइम ऑन दैट, ताकि आप पॉजिटिव और अच्छा फील करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने कुकिंग में बहुत से रेनबो डाइट प्लान कर सकते हैं। लाइक रेनबो डाइट प्लान, आपको पता है हमारी लाइफ एक रेनबो है, हमारे आसपास इतने कलर्स हैं, वही कलर्स जो रेनबो हैं। रेनबो के कलर्स को हम क्या कर सकते हैं, रेनबो में आप ग्रीन कलर है वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, वाइट कलर के मूली हो गई, कैरेट हो गई, कितनी सारी सब्जियां आप एक रेनबो कलर की फॉर्म में वो वेजिटेबल्स को मिक्स करके दे सकते हो, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ और आपका ईटिंग स्टाइल भी एक रेनबो बन जाएगा, बिकॉज इट इंडिकेट्स द मोर कलर एंड न्यूट्रिशन ऑन योर फूड। उसके बाद बात करते हैं कि कुकिंग इंटेंशंस को कैसे इम्प्रूव करना है, तो आप ऑलवेज हैप्पी फील करके अपने लिए पॉजिटिव बोलें, और जब भी आप खाना खाते हो उस खाने में थैंक यू बोलें, खाने में थैंक यू बोलें। जब वो आप थैंक यू बोलते हैं तो वो खाना आपके लिए एक एनर्जी बन जाता है। जी हाँ, आप जानते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर्स को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। जिस टाइम सडनली आपको ये चीज़ नोटिस होने लगे तो उसे इग्नोर ना करें, जस्ट से थैंक्स, क्योंकि जो आप थैंक्स करते हैं वो आपकी लाइफ में चेंज कर देता है उस नेगेटिव फैक्ट को। डॉक्टर डी मॉर्टिनी ने भी एक चीज़ कही है कि जब भी आप थैंकफुल होते हैं तो बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी को हर चीज़ से कट ऑफ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा। अब आज बात करते हैं वॉयलेट कलर की। वो कलर इट्स कलर ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो कुकिंग करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को ज़रूर मेडिटेट करें, ताकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उस खाने में डालें और रिफ्लेक्ट करें दूसरों पे। कीप हेल्दी, स्टे वेल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।